परसों ही पूरे महाराष्ट्र ने खबर सुनी होगी कि अनिल देशमुख के सुपुत्र सलील देशमुख इस साल काटोल विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि अनिल देशमुख के लिए नया निर्वाचन क्षेत्र घोषणे का समय आ गया है, इसलिए देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ बिना किसी तथ्य के आरोप कर रहे हैं, मीडिया में लोकप्रियता पाने के लिए बेताब कोशिश कर रहे हैं। अपने परिवार के सदस्य के रूप में मुझे उनकी चिंता है, परंतु जो शेषों के घर में रहते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारा करते, दूसरों पर पत्थर फेंकना ठीक बात नहीं है। अनिल देशमुख की पहचान महाराष्ट्र में अलग अलग रंग के जैकेट पहने इतनी ही है। आशीष देशमुख ने अनिल देशमुख को करारा जवाब दिया। देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाने का एक हताश प्रयास है। आपके बेटे को काटोल से चुनाव लड़ने के लिए अपने वरिष्ठ से अनुमति मिली है, इसलिए उन्हें देवेंद्र फडणवीस के दक्षिण पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र में लड़ना होगा। त्यानिमित्ताने अडचणीमध्ये अनिल देशमुख होते, 13 महिने ते जेलमध्ये होते आणि म्हणून एक कुटुंबाचा व्यक्ती म्हणून नक्कीच चिंता त्यांची आम्हाला आहे। पण काका, काच के घर में रहने वाले दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारा करते। तुम्ही ह्या संदर्भामध्ये तेव्हा ईडीला, तेव्हा सीबीआयला, तेव्हा तो जो आयोग राज्य सरकारने बसवला होता तुम्ही त्याच्यासमोर गेले, त्यांच्यासमोर ह्या गोष्टी का नाही आणल्या? जाणीवपूर्वक तुम्ही जर त्या थांबवल्याला आहेत तेव्हापासून बोलण्याचं, आणि आता निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तुमच्याकडे मतदारसंघ नाही राहिला, तुमचा मुलगा त्यानिमित्ताने काटोलमधून लढण्यामध्ये सर्व दृष्टीने तयार आहे, त्याच्या वरिष्ठ तुमच्या नेत्यांकडून त्याला होकार मिळालेला आहे, आणि म्हणून तुम्ही फडणवीसांवर जर आरोप करत असाल तर ही महाराष्ट्राची जनता, विशेष करून विदर्भाची जनता तुम्हाला माफ करणार नाही। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।